हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकोन। दोस्तों, आमतौर पर देखने को मिलता है और माना भी जाता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री जैसा होगा वैसे ही वो उस देश के विकास को आगे लेकर जाएगा। और अगर कोई खिलाड़ी किसी देश का पीएम बने तो उससे ये उम्मीद तो जरूर की जाती है कि वो खेलों के विकास में काम करेगा, जैसे स्टेडियमों का निर्माण, खिलाड़ियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी वगैरह वगैरह, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। पर एक देश जिसका पीएम एक खिलाड़ी तो है, पर उसके देश के खेल स्टेडियम इतनी बुरी कंडीशन में हैं कि देखकर आपको भी शायद हैरानी होगी। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी इमरान खान आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके राज में स्टेडियमों का जो हाल है उसकी पोल खुद वहां के न्यूज चैनल ने ही खोल दी है। ARY न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जिस स्टेडियम को बनाने के लिए करोड़ों खर्च किए गए थे, जिस स्टेडियम को करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया था, उस क्रिकेट स्टेडियम में सब्जी उगाई जा रही है, स्टेडियम में कद्दू और मिर्च उगाई जा रही है, और ये स्टेडियम है पंजाब प्रोविंस में मौजूद खानेवाल स्टेडियम। हालांकि हर स्टेडियम की तरह इस स्टेडियम को बनाने का लक्ष्य भी बेहतरीन क्रिकेटर तैयार करना था। इसका पवेलियन तक हाई क्लास बनाया गया था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंटरनेशनल लेवल का था, लेकिन जिस तरह इस स्टेडियम में सब्जियां उगाई जा रही है उसने न सिर्फ पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान में नाक कटवा दी है, बल्कि इस तस्वीर के वायरल होने के बाद पूरी दुनिया के लोग भी इस तस्वीर को देखकर इमरान खान का मजाक बना रहे हैं। वहीं जब ये खबर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने देखी तो वो भी इसे देखकर खासे मायूस हुए और सिर्फ इतना ही कह सके कि ये हालात देखकर उन्हें दुख हो रहा है। दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दें कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम 2009 में पाकिस्तान दौरे पर गई थी। 3 मार्च 2009 को लाहौर में जब टीम बस से सफर कर रही थी तभी आतंकियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। ये ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस आतंकी घटना के बाद इंटरनेशनल टीमों ने पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। हालांकि अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमों ने पाकिस्तान दौरे का ऐलान हाल ही में किया है, जबकि जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के स्टेडियम में सब्जी उगते हुए तस्वीरें सामने आई हैं, वो एक खिलाड़ी होने के नाते इमरान खान के खेल और उससे जुड़ी चीज़ों पर काम ना करने को लेकर कई सवाल खड़े करती है और दर्शाती है कि इमरान खान खेल और खेल से जुड़ी चीज़ों को आगे ले जाने में काफ़ी पीछे रह गए हैं और काफ़ी नाकाम हुए हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ क्रिकेट और खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।